हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरजा। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं दृष्टि आईएएस के क्विक बुक, जिसमें भारतीय विश्व का भूगोल चल रहा है, जिसमें अभी हम फिलहाल भारत का भूगोल कर रहे हैं। और गाइस, यहाँ पे देखिए हमारा जो है चैप्टर नंबर 17, यानी कि इसका इस बुक का जो है लास्ट चैप्टर, मतलब इस इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है, जो कि है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, यानी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। और गाइस, यहाँ पे देखिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत पड़े तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, पीडीएफ रिलेटेड या कोई भी। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़े थे, अभी जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो है लद्दाख। स्टार्ट करने से पहले गए थे, अगर आप लोग घटना चक्र की पीडीएफ चाहते हैं या घटना चक्र की आप लोग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सएप करिए मुझे। एंड अगर आपको इस बुक की पीडीएफ चाहिए तो गाइस आप मेरा टेलीग्राम पेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारी जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर बात करें तो गाइस, अगर आपको इस बुक की लिंक चाहिए, मतलब परचेज करनी है, बेस्ट है आपकी ज्योग्राफी के लिए, आप लोग परचेज कर सकते हैं आग बंद करके। इसकी भी लिंक आपको जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। चलिए अब हम लोग फटाफट बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है ना 31 अक्टूबर 2019 में क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 बिल आया, ठीक है। तो मतलब जो बिल, सॉरी, एक्ट आया था, तो वही जम्मू कश्मीर के लिए भी था, वही लद्दाख के लिए भी था। तो उसमें क्या होता है, जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, एक हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया लद्दाख। और इन दोनों को जब बांटा गया तो इसे हमने राज्य नहीं बना के क्या बनाया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया, ठीक है। अब इसने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है ना, उसमें दो जिले हैं, एक हो गया लेह, एक हो गया कारगिल, ठीक है। तो दोनों जिलों में क्या है, स्वायत्त शासित जिला परिषद है, ठीक है, स्वायत्त शासित जिला परिषद है दोनों में, यानी कि लेह में भी है और कारगिल में भी है। अच्छा, इसने कहा जो लद्दाख है, लद्दाख में जो है निर्वाचित विधानसभा और क्या है मुख्यमंत्री नहीं है, बट यही चीज़ हम जम्मू कश्मीर में देखेंगे। अच्छा, पर्यटन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि लेह में क्या है आपका लमा युरु, लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है जिसका नाम है पेंगोंग झील, इंपॉर्टेंट। नुब्रा घाटी इंपॉर्टेंट है, सुरु घाटी माद्र जिसे लद्दाख का द्वार कहते हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे जो स्थल हैं वहाँ लद्दाख में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट जो झारखंड है, ठीक है। एरिया की हम बात नहीं करेंगे, जनसंख्या यहाँ पर कुछ हो जाएगी 32 कितना आएगा इसी 10 लाख 32 करोड़, सच में इतनी, सॉरी गाइस, यहाँ पे 3.2 करोड़ है, 3.2 करोड़ यहाँ की जनसंख्या हो गई बिहार की। और यहाँ पे इसने कहा कि जिले कितने, तो 24। यहाँ की राजधानी क्या है, तो रांची है, ये आपका लिंगानुपात है काफ़ी कम, ये साक्षरता है ये भी बहुत कम है, और यहाँ पे भाषा बोली जाती है हिंदी। चलो, अब इसने कहा कि फिर वही बात, हमने कहा था ना कि 2000 में तीन जो नए राज्य बने थे, ठीक है, उसमें एक बिहार से अलग हुआ था। अच्छा, इसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो हम झारखंड में ही पढ़े, तो गाइस ये हम पढ़ के आ रहे हैं झारखंड ही तो पढ़ने। हाँ, तो देखिए सन 2000 में तीन जो राज्यों से तीन अलग राज्य बन गए थे, ठीक है। अब बिहार की यहाँ की बात करते हैं, तो इसने कहा ना सन 2000 में, हाँ, अब हमने कहा था 1 नवंबर जब हमने पढ़ा था छत्तीसगढ़, 1 नवंबर पढ़ा था। अब हम झारखंड की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं 15 नवंबर की, ठीक है। तो 15 नवंबर को क्या होता है कि बिहार का जो दक्षिण हिस्सा होता है ना, उसको काट कर क्या कर दिया गया, झारखंड बना दिया गया। और ये देश का कौन सा राज्य बन गया, तो वो बन गया आपका 28वां राज्य। और जब हमने गाइस वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, छत्तीसगढ़, तो वो कौन से नंबर का देश बना था, 26वें नंबर का देश बना था, ठीक है, और देश नहीं राज्य बना था। अब इसने कहा झारखंड क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या है, छोटा नागपुर का पठार है, संथाल परगना के जो वन क्षेत्र ये आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब झारखंड में क्या होता है, पूर्व में इसने कहा जो झारखंड है, ये रहा झारखंड, झारखंड के पूर्व में क्या है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। इसके पश्चिम में क्या है आपका, यूपी है, ठीक है, और यूपी है और सच छत्तीसगढ़ है। उत्तर में आप देखेंगे तो बिहार है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप दक्षिण में देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ उड़ीसा मिल जाएगा। तो इतने राज्य हैं झारखंड के आसपास। कृषि और संबंधित जो गतिविधियाँ हैं, ये जो है झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, यानी कृषि उससे रिलेटेड गतिविधियाँ। चलो, सिंचाई बिजली की बात कर लेते हैं, तो गाइस यहाँ पे देखिए दामोदर इंपॉर्टेंट बात हो रही, दामोदर, बराकर, मयूराक्षी, उत्तरी कोयल, दक्षिण कोयल, स्वर्ण रेखा, खरकई, अजय नदियाँ, ये जो है ना जल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ठीक है। ये दो नदी का नाम अगर आपको वैसे आसानी है बची, इसके अलावा तो सारी तो बहुत बार आप पढ़ेंगे, बहुत बार सुनेंगे। राज्य में विद्युत उत्पादन के लिए इसमें बात करी गई, तो तेनूघाट ताप बिजली घर हो गया आपका, फिर है पतरातू ताप बिजली घर, इम्पॉर्टेंट, दामोदर घाटी निगम,
जल विद्युत परियोजना इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब इसने कहा खनिज उद्योग की बात कर लेते हैं, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई अगर आप झारखंड में देख रहे हैं या आप छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं। तो झारखंड के घाट शिला में क्या है, भारत के प्रथम तांबा प्रगलन संयंत्र की स्थापना की गई। भारत के प्रथम, तो प्रथम है तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र का आपका बोकारो स्टील प्लांट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र की जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फिर इसने कहा आपका टेल्को इंपॉर्टेंट है, आपका टाटा इंजीनियर्स एंड लोकोमोटिव कंपनी। फिर है यहाँ पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद इंपॉर्टेंट है, इंडिया एल्यूमिनियम कंपनी मुरी भी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड रांची। फिर है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इंपॉर्टेंट है जादूगुड़ा। फिर इसमें लिखा है आपका हिंडालको इंडस्ट्री लिमिटेड का है लोहरदगा, सब इंपॉर्टेंट है। मतलब दो राज्य तो आप इन सब चीज़ों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट मान लो, छत्तीसगढ़ का भी आप, ये जो है झारखंड का भी है, थोड़ा उड़ीसा का, मतलब ये वाला जो एरिया है ना छोटा नागपुर के आसपास वाला, बस वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इन सब चीज़ों की बात होती है तो। इसमें कहा झारखंड जो है खनिज संसाधन के मामले में भी समृद्ध राज्य है, और यहाँ पाए जाने वाले खनिजों की अगर बात करें तो कोयला है, लोहा एस्क है, चूना पत्थर है, तांबा है, चीनी मिट्टी आदि, ये सब मिल जाएगा। अब देखिए ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, झरिया। झरिया अपने समृद्ध जो है कोयला संसाधन के लिए प्रसिद्ध हो गया। अब देखिए हमने कहा ये सब इंपॉर्टेंट, इतने खनिज आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। पर्यटन स्थल में भी देख लीजिए गाइस, में पर्यटन स्थल देखिए मैं बहुत सारे होते हैं झारखंड के, आप तो बिल्कुल आप सारे बिल्कुल याद कर लीजिएगा। देखिए तिलैया बांध आपका कोंडरमा इम्पॉर्टेंट, याद रखेगा। उद्धव पक्षी विहार जो है आपका साहिबगंज, ठीक है। फिर है आपका चाचरो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हो गया कोडरमा, इंपॉर्टेंट। जवाहरलाल नेहरू प्राणी उद्यान जो है आपका है बोकारो, इंपॉर्टेंट, ठीक है। जमशेदपुर का क्या है आपका डालमा वन्यजीव अभयारण्य, इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे है जमशेदपुर में टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क, इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद है आपका गुमला में लिखा है आपने पलकोट वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। ये इतना पता नहीं इंपॉर्टेंट है या नहीं, मैंने कम सुना है। रांची में अगर बात करें तो भगवान बिरसा प्राणी उद्यान हो गया। और फिर इसके है पलामू में आपका है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे है दुमका में आपका है तातोलोई गर्म पानी का झरना। फिर है यहाँ पे है गिरिडीह में हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट है। आपका झारखंड धाम मंदिर है एक यहाँ पे। फिर यहाँ पे मयूराक्षी नदी पर क्या है आपका आपका मनसजोर डैम है। और इसके बाद देवघर में आपका पारसनाथ पहाड़ी वैद्यनाथ मंदिर, दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। ये सब पर्यटन स्थल हो गए, ठीक है। तो जितने मैंने इंपॉर्टेंट कहा है वो इंपॉर्टेंट है, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने इंपॉर्टेंट नहीं बोला है वो भी इंपॉर्टेंट है अगर आप झारखंड के हैं तो, और IAS के स्टूडेंट हैं तो सब इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज थोड़ा बहुत तो स्टेट वाले जो हैं वो उस पर ध्यान नहीं देंगे तो चलेगा। कर्नाटका पहुँच जाते हैं तो कर्नाटका की जनसंख्या यहाँ पर लिखा है कुछ 6.1 करोड़ है, ठीक है। जिले हैं 30, राजधानी है बेंगलुरु, लिंग अनुपात अच्छा है, ठीक है। और साक्षरता भी ठीक है, कन्नड़ बोली जाती है यहाँ पे कर्नाटका में, ठीक है। अब वन्य जीवों की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 क्या है नेशनल पार्क है, एक है आपका अंशी बांदीपुर बनेरघट्टा कुंद्रेमुख है आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय। तो देखिए आपका गई 5 ही है और आसान है सारे, इंपॉर्टेंट हो गए, जिसमें कुंद्रेमुख बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राजीव गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है, बांदीपुर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बनेरघट्टा आंशी तब इंपॉर्टेंट है। अब तथा इसमें क्या है 25 से अधिक क्या है वन्यजीव अभयारण्य है, प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसी योजनाएं इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस राज्य में चल रही हैं, ठीक है। अब केंद्रीय सहायता से लागू की गई है प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट एलिफेंट, एलिफेंट के लिए तो कर्नाटका याद कर लीजिए आप। कृषि की बात करते हैं तो गाइस यहाँ धान ज्वार रागी बाजरा मक्का उगाया जाता है, कॉफ़ी उत्पादन बहुत इंपॉर्टेंट, प्रथम स्थान आता है कॉफ़ी उत्पादन के लिए। विद्युत की बात करते हैं तो कर्नाटका के ऐसे कर्नाटका देश का ऐसा अग्रणी राज्य है, राज्यों में से एक है जहाँ क्या है पन बिजली संयंत्र स्थापित है जो हवा से चलती है, जो यहाँ पे जैसे वो पंखे लगा देते हैं वो घूमते हैं हवा से और उससे बिजली बनाई जाती है। दायित्व है कि वर्ष 1902 में क्या होता है शिव समुद्रम में एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए तभी मैं कहती हूँ ये बुक बहुत बेहतरीन है। पर्यटन की बात कर लेते हैं, श्रीरंगपट्टनम इंपॉर्टेंट हो गया, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क इंपॉर्टेंट हो गया, होयसल स्थापत्य इंपॉर्टेंट है, श्रवण बेलगोला सब इंपॉर्टेंट है, गुमतेश्वर की प्रतिमाएं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है हेलेविडू हम्पी बादामी पट्टदकल इत्यादि स्मारक है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्पी देखिए हम्पी अपने आप में, और ये जो है आपका पट्टदकल
को विश्व धरोहर स्थल में भी घोषित कर दिया गया है, किसने? यूनेस्को ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, केरल की बात करते हैं। क्षेत्रफल कोई ना पूछ रहा। यहाँ देखिए 3.3 करोड़ की जनसंख्या के साथ ये यहाँ पे जिले हैं, 14 राजधानी है। तिरुवनंतपुरम लिंगानुपात भयंकर है, यानी फर्स्ट नंबर पर आता है लिंगानुपात में केरल, वो सबसे ज़्यादा देखिए देश में सर्वाधिक है। और यहाँ पे साक्षरता बेहतरीन है, यहाँ पे भाषा बोली जाती है मलयालम। ठीक है, अब इसने यहाँ लिखा है कि एक अधिनियम था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, जब भारत आज़ाद होता है तब की बात बता रहा है। तो उसमें क्या होता है, त्रावणकोर, देखिए यहाँ क्या हुआ, त्रावणकोर कोचीन तथा मालाबार क्षेत्र, इसको मिला दिया गया। ये तीन क्षेत्र अलग अलग थे जब भारत आज़ाद हुआ है, उसके बाद जब राज्य बनने लगे उस वक्त। ठीक है, तो ये तीन क्षेत्र जिसको मिला के क्या कर दिया गया, केरल राज्य की स्थापना कर दी गई, त्रावणकोर कोचीन मालाबार। ठीक है, अब देखिए केरल में जो उच्च न्यायालय है ना, उसके अंतर्गत ही जो है लक्षद्वीप भी आ जाता है, मतलब लक्षद्वीप में अपना कोई हाईकोर्ट नहीं है, वो केरल हाईकोर्ट से काम चला ले रहा है। अच्छा, केरल के जितने भी गाँव हैं ना, वो उसमें क्या है, विद्युतीकरण है, यानी कि बिजली सब जगह पहुँच गई है, कुछ नहीं बचा 100%। केरल को देश का पहला क्या है, डिजिटल राज्य घोषित कर दिया गया है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वैसे इस बुक में मुझे लगता है सारी लाइन इंपॉर्टेंट है। रबड़, चाय, इलायची, कॉफ़ी, इसके उत्पादन में भारत में क्या बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, याद कर लीजिएगा गाइस, ये सब इंपॉर्टेंट है। रबड़, चाय, इलायची, कॉफ़ी, क्योंकि ये हर जगह नहीं मिलेगी, कहीं कहीं मिलेगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। परिवहन की बात करते हैं, तो इसने कहा अरसार के दक्षिण पश्चिम किनारे पर स्थित क्या है, कोची राज्य का प्रमुख बंदरगाह हो गया। 17 इसमें मध्य और छोटे बंदरगाह हैं, मतलब जब आप ऐसे बनाते हो तो यहाँ पे है अरब सागर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कोची, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है। आज भी ये महत्वपूर्ण है, अंग्रेज आए थे तब भी था, उससे पहले भी था, बहुत पहले भी था। ठीक है, अब इसने कहा कि प्रमुख हवाई अड्डे की बात, तिरुवनंतपुरम बहुत इंपॉर्टेंट, कोची हो गया आपका, कोझिकोड हो गया, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। त्यौहार की बात करते हैं, ओणम बहुत इंपॉर्टेंट, केरल के सबसे जो है प्राचीन क्या है, पारंपरिक त्यौहार है ओणम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, फसल कटाई के मौसम में से मनाया जाता है। केरल में जो है नाव दौड़ बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, जो आपने देखो बहुत बड़ी नाव होती है, उसमें बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और वो बस अब रेस हो रही है। इसमें लिखा है अल्पुच्छा, अल्पुच्छा जिला बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है आपका पुनमदा झील में क्या होता है कि नेहरू ट्रॉफी नाव दौड़ होती है, मतलब ये जो नाव दौड़ है उसका नाम नेहरू ट्रॉफी नाव दौड़ आयोजित होती है। कहाँ पे, देखिए अल्पुच्छा जिला, याद रखना, पुनमदा झील में। ठीक है, कौन सी दौड़ है ये सब याद रखिएगा। अब इसमें लिखा है सबरीमाला मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट, मनाए जाने वाला क्या है आपका है मकर विलक्कू, भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है, और सबरीमाला मंदिर तो आप देखते ही हैं वैसे ही इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश। ठीक है, तो गाइस जब आप ऐसे करके भारत बनाते हैं तो आपको मध्य प्रदेश कहाँ दिखेगा, यहाँ कहीं बीच में, मध्य में। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या यहाँ पे 7.2 करोड़ के आसपास दिखाई है, जिले यहाँ पे 52 है, भोपाल यहाँ की राजधानी है, ये बहुत बुरा हाल है यहाँ लिंगानुपात का, और साक्षरता का भी हाल बुरा ही है। भाषा यहाँ बोली जाती है हिंदी। आगे बढ़ जाते हैं, तो 1950 में पूर्व ब्रिटिश केंद्रीय प्रांत और बरार, फिर है मकराई के जो है आपके राजसी राज्य हो गए, छत्तीसगढ़ मिलाकर मध्य प्रदेश का निर्माण कर दिया गया। मतलब ये इतना खास कोई नहीं पूछ रहा, चलिए कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए। नागपुर को राजधानी बनाया गया उस वक्त। ठीक है, बट अभी राजधानी देखी क्या है, भोपाल। ठीक है, इसने कहा राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, 1956 में मध्य भारत विंध्य प्रदेश और क्या है भोपाल राज्य को मध्य प्रदेश में जो है विलीन कर दिया गया। मतलब इसने कहा इस समय 1956 में क्या हुआ, मध्य भारत विंध्य प्रदेश है बीच में जो है भारत में, और जो भोपाल है इसको भी मध्य प्रदेश में डाल दिया। अच्छा, अब इसने कहा छत्तीसगढ़ राज्य बन गया था, अभी हमने पढ़ा था कब बना था, 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ आया था। ठीक है, और झारखंड का इस कौन सी डेट में आया था, तुरंत सोचिए अगर याद हो तो, अभी हमने पढ़ा था। राज्य का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, मतलब मैक्सिमम लोग यहाँ पे कृषि कर रहे हैं। उद्योग की बात कर लेते हैं, यहाँ पे दूर संचार प्रणालियों के लिए क्या है आपका ऑप्टिकल फाइबर का उत्पादन करता है ये। मतलब ऑप्टिकल फाइबर आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, साइंस में जान जाएंगे। अच्छा, इसने लिखा है कि राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में उद्योगों की बात, इसमें लिखा है कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पे है, भारत भोपाल में है, BHEL भोपाल। ठीक है, सिक्योरिटी पेपर मिल, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी पेपर में होशंगाबाद इंपॉर्टेंट, नोट छापने का बहुत इंपॉर्टेंट देवास में। ठीक है, यहाँ अखबारी कागज़
की मिल की बात करें तो नेपा नगर इम्पॉर्टेंट हो गया। फिर भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड भी ना, ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया। मध्य प्रदेश जो है आपका चंदेरी और महेश्वर के पारंपरिक हस्तशिल्प तथा हथकरघे से बने कपड़े के लिए जाना जाता है, तो ये बात भी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये गाइस ये थोड़ा वैसा वाला उद्योग हो गया जो हम भारत में प्राचीन काल से करते हुए आ रहे थे, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पर्यटन की बात करिए तो यहाँ पर पचबड़ी है, भेड़ाघाट है आपका, धुआंधार जलप्रपात, ये याद रखिएगा। चलिए इसमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्या है बारह सिंगा निवास करते हैं, ठीक है। और ठीक है यहाँ पे लिखा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, प्रागैतिहासिक गुफा वन्य जीव यहाँ मिले। यहाँ विश्व प्रसिद्ध क्या है आपका खजुराहो मंदिर है, उज्जैन, अमरकंटक, ओंकारेश्वर, बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप छोड़ दें, ठीक है। अब यहाँ क्षेत्र ओके आगे महाराष्ट्र में, तो गाइस महाराष्ट्र का है ये मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पे आपको कहीं महाराष्ट्र मिल जाएगा बिल्कुल, जैसे आप ऐसे करके भारत बनाते हैं तो ये मध्य प्रदेश है, तो ये वाला आपको एरिया महाराष्ट्र का मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं महाराष्ट्र में भी देख लेते हैं जनसंख्या कितनी है, यहाँ की जो जनसंख्या गाइस कितनी है 11 करोड़ है ना, काफ़ी ज़्यादा है। ज़िले यहाँ पे हैं 36 हो गए, मुंबई यहाँ की कैपिटल हो गई, ये बहुत बुरा है, ये अच्छा ठीक है, मतलब है बेकारी। मराठी यहाँ की भाषा हो गई, ठीक है। अब देखिए महाराष्ट्र का अरब सागर के तटीय मैदानी भाग यानी कि कोंकण कहलाता है, मतलब इसने बोला जो ये महाराष्ट्र वाला एरिया है ना ये वाला, तो यहाँ का जो एरिया ये जो तट है ना इसको हम बोलते हैं कोंकण तट, क्या बोलते हैं कोंकण। तो ये जो है आपका तटीय मैदान में धान के खेत और क्या है नारियल के लिए नारियल के बाग है, मतलब यहाँ पे आपको धान के खेत मिल जाए, नारियल के बाग मिल जाएंगे। इस राज्य के उत्तरी भाग में क्या है सतपुड़ा की पहाड़ी है, जबकि अजंता है आपका सतमाला पहाड़ी है इसके आंतरिक भाग में। मतलब इसने कहा कि अगर ये महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र के पास ऊपर यहाँ पे यहीं पे आपको सतपुड़ा मिल जाएगी, यहीं पे आपको अजंता मिल जाएगी, और एक आपको मतलब याद करने वाली सतमाला, अजंता और सतपुड़ा, ये सब आपको महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, ठीक है। पहाड़ियाँ हैं, पर्वत मतलब एक रेंज भी है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। अब उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र देखिएगा इस यहाँ पे महाराष्ट्र में जो बम्बई हाई कोर्ट है, तो महाराष्ट्र के लिए भी है, गोवा के लिए भी है, दमन दीव के लिए भी है, राज्य में दो बड़े और क्या है 48 छोटे क्या है आपके बंदरगाह मिल जाएंगे। मुंबई सबसे प्रमुख हो गया, मुंबई एक बंदरगाह यानी कि पोर्ट है। कृषि की बात कर लेते हैं तो गाइस देखिए यहाँ पे धान उगाया जाता है, ज्वार, बाजरा, गन्ना, मूंग, उड़द, चना, अन्य दालें यहाँ पे उगाई जाती हैं, मूंगफली, सूरजमुखी और सोयाबीन भी यहाँ है तिलहन में। उड़ान की बात करते हैं तो इसने कहा जो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल हाई क्या है एयरपोर्ट की भीड़ को कम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, नवी मुंबई में एक जो हवाई अड्डा है उसका उसे बना दिया, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी इसकी वजह से हमने एक और क्या बोलते हैं एयरपोर्ट बना दिया नवी मुंबई। अच्छा पर्यटन स्थल देखिए अजंता एलोरा सभी जानते हैं, दुनिया जानती है, औरंगाबाद, एलिफेंटा, कन्हेरी, फेह कार्ले, ये सब गुफा सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। महाबलेश्वर इम्पॉर्टेंट, माथेरन इम्पॉर्टेंट है आपका, पंचगनी इम्पॉर्टेंट है, जौहर इम्पॉर्टेंट है, मालशेज घाट और यहाँ पे लिखा है चकलदारा, ये दोनों तो मैंने कम सुना है थोड़ा। प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में अगर बात करें तो पंडरपुर इम्पॉर्टेंट, नासिक इम्पॉर्टेंट है, सिरनी बहुत, त्र्यंबकेश्वर इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, फिर हरिहरेश्वर हो गया आपका, शेगांव हो गया आपका, अम्ब जो गई, ये सब इम्पॉर्टेंट है। अच्छा अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट यानी कि राजधानी है इम्फाल और राज्य है आपका मणिपुर, तो ये हम आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में आ गए यानी कि उत्तर पूर्वी। तो गाइस जनसंख्या यहाँ आप देख सकते हैं कितनी है 25 लाख, जरा सा मतलब ये देखिए ये सब राज्य छोटे छोटे, ज़िले बहुत ज़्यादा हो गए यहाँ पे तो 16, और यहाँ पे है इम्फाल इसकी राजधानी हो गई, ये बेहतरीन है लिंग अनुपात और ये साक्षरता भी ठीक है। मणिपुरी यहाँ की लैंग्वेज हो गई, घाटी पर्वत राज्यों के दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र है, मतलब यहाँ घाटी मिलेंगी, पर्वत राज्य पर्वत मिलेंगे आपको, और इसमें क्या इसमें से जो घाटी को क्या है मतलब मणिपुर में तो जो घाटी है उसको हम बोलते हैं चावल का कटोरा, ये बात हो गई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कृषि और इससे संबंधित गतिविधि राज्य की क्या अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है यानी कि कृषि यहाँ होती है। जैव विविधता की बात करते हैं तो ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट बातों में से एक बात है। मणिपुर के उखरूल जिले में क्या होता है सिराई पर्वतमाला में सिराई लिली पौधा पाया जाता है, ठीक है। तिराई लिली पौधा कहाँ पाया जाता है इंपॉर्टेंट। जूको घाटी में दुर्लभ प्रजाति यानी कि जूको लिली पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए लिली लिली वाले सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिराई लिली हो गए, जूको लिली हो गए। मणिपुर पृथ्वी का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ क्या होता है ब्रो एंटीलर्ड हिरन,
ब्रो एंटीलर्ड हिरन की एक क्या है उपप्रजाति पाई जाती है जिसका स्थानीय नाम क्या है, यहाँ पे लिखा है संगाई, इसको हम बोलते हैं डांसिंग डियर। बहुत इम्पोर्टेंट बात हो गई, ठीक है। ये राज्य के विष्णुपुर ज़िले में पाया जाता है, विष्णुपुर ज़िले, ठीक है। परिवहन पे आ जाते हैं आप गाइस, तो इसने कहा 1990 में क्या होता है आपका, दिरिमम में रेल हेड खोला गया, ठीक है। और ये जो है इम्फाल के 225 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब इसमें लिखा है कि आपका दिरिमम तुपुल इम्फाल रेलवे लाइन को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ पे है इम्फाल का हवाई अड्डा क्या है, आइजोल, गुवाहाटी, कोलकाता, सिलचर, नई दिल्ली से वायु सेना द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, देखिए नोट में अलग से लिखा है लेकिन है इम्पोर्टेंट बात ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है, हम कहाँ पहुँच गए हैं, ये मेघालय। मेघालय भी आपका नॉर्थ ईस्ट में आएगा, कहाँ आता है देखिए, ये हमने बनाया सिक्किम, यहाँ से ऐसे इधर मिलता है आपको भूटान, इधर से ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे। अब यहीं से आप चिकन नेक बोलते ना, यहाँ से ऐसे करके आप बनाइए ऐसे, फिर यहाँ से दो ऐसे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हम बनाएंगे ये, यहाँ से आप ऐसे मान लीजिए ये ऐसे, ठीक है। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर यहाँ से आप एक दो और ये हो गया तीन और चार, चार डब्बे बन गए यहाँ पे। तो चार डब्बे में से जो पहला डब्बा है सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश के नीचे आता है, कलर ही नहीं समझ में आ रहा है, तो देखिए उसके नीचे आता है आपका नागालैंड, और नागालैंड के नीचे आता है गाइस क्या, ये थोड़े ज़्यादा डब्बे हो गए, दो ही होने चाहिए थे यहाँ पे, ठीक है। नागालैंड आता है, नागालैंड के बाद आता है मणिपुर, और मणिपुर के बाद यहाँ आता है मिजोरम, मिजोरम का पड़ोसी है त्रिपुरा, ठीक है। अब बचे दो और, ऐसे कर दीजिएगा आप, तो जो बीच वाला एरिया है वो है असम का, और जो ये वाला एरिया है वो है मेघालय, और ये जो छोटा सा ऊपर दिख रहा है वो है आपका सिक्किम, बस इतना। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं गाइस, वो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, पढ़ने जाते हैं मिजोरम या मेघालय, क्या था गाइस ये, मेघालय, ठीक है। तो मेघालय वाला एरिया जो हमने नीचे से ऐसे करके बनाया था ना, ये वाला, ये था आपका मेघालय, ठीक है। मेघालय के नीचे आप देखेंगे बांग्लादेश है, मेघालय के ऊपर आप देखेंगे असम है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल दिख जाएगा, यहाँ पे थोड़ा आपको। चलिए अब देखिए हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़िले कितने हैं, 29 लाख यहाँ की जनसंख्या हो गई, 11 ज़िले हो गए, शिलोंग यहाँ की राजधानी हो गई, बेहतरीन लिंगानुपात, साक्षरता भी अच्छी है। भाषा बात करते देखिए यहाँ पे, जब आप मेघालय बनाते ना गाइस, एक चीज़ और देखिए, जब हमने ऐसे करके मेघालय यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे तीन पहाड़ियों, तो बहुत ही सिंपल आपको रटनी है, रटनी है मतलब गारो, खासी, जयंतिया, तीन है, तीन लाइन से चलेंगी, जैसे मैंने बोली वैसे याद रखिएगा, गारो, खासी और एक यहाँ पे जयंतिया, ठीक है। तो देखिए भाषाएं देखिए, एक तो खासी, गारो, दो तो आपको ऐसी याद हो जाएंगी अगर आप तीन पहाड़ी याद करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ इंग्लिश बोली जाती है, पनार बोली जाती है। मेघालय का अर्थ क्या होता है, मेघों का आलय, ठीक है, यानी बादलों का घर बोला जाता है। मूल रूप से क्या है, ये एक पहाड़ी राज्य है, ठीक है, पहाड़ पहाड़ मिलेंगे। यहाँ क्या है, मुख्य रूप से गारो, खासी, जयंतिया आदिवासी समूह मिलता है, मतलब इन पहाड़ियों पर जो जो आदिवासी समूह रहता है उसका नाम उस पर ही आ गया। अब इसने कहा 1970 को क्या होता है, मेघालय राज्य का गठन असम के अंतर्गत एक क्या है, स्वायत्त शासी राज्य के रूप में होता है, ठीक है, मतलब असम के अंतर्गत हुआ, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि 1972 में इसको पूरी तरह से एक राज्य बना दिया गया, 70 में असम के अंतर्गत और 72 में इसको राज्य बना दिया। मेघालय की जो उत्तर और जो है पूर्वी सीमा है, यानी अगर हम बात करें उत्तर और जो ये पूर्वी सीमा है, असम से मिलती है, ठीक है, दक्षिण वाली साइड और पश्चिम वाली साइड बांग्लादेश से मिलती है, यानी वेस्ट बंगाल से नहीं मिलती है। राज्य का प्रमुख हवाई अड्डा जो है आपका उमरोई है, शिलोंग से कितनी, 35 किलोमीटर दूर है। मेघालय मूल रूप से क्या है, कृषि प्रधान राज्य है, चावल, मक्का यहाँ उगाया जाता है, इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो संतरे, ये खांसी और मंदारिन में, ठीक है। फिर अनानास आप लोग जानते होंगे, केला है, कटहल है, आलू बुखारा हो गया, आलू बुखारा यानी कि प्लम बोलते हैं इसको ना, फिर है नाशपाती हो गया, है आड़ू हो गया, ठीक है। शीतोष्ण फलों की भी यहाँ पे खेती होती है। अच्छा वन और वन्य जीवों की बात कर लें तो यहाँ पे दो राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल, नौकरेक बहुत इंपॉर्टेंट, फिर है बाल पकरम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। तीन वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो एक हो गया नोंग खाइलम, एक है नरपू, एक है सीजू,
पता नहीं ये इतने इम्पोर्टेंट है या नहीं, कम सुना है मतलब मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ जीवित, हाँ ये तो बात बहुत इम्पोर्टेंट, जीवित जड़ पुल मेघालय में ही है। मतलब कहाँ एक नदी बह रही थी गाइस, यहाँ पे एक पेड़ लगा है, पेड़ बढ़ता 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 इस साइड आ गया, ठीक है, और ये इतना घना हो गया कि ये पुल की तरह बन गया, ठीक है। अब इसमें अगर त्यौहार एवं पर्यटन स्थल की बात करें तो खासी जनजाति, वही हमने बात करी थी, गारो खासी जयंतिया तीन पहाड़ी, तो खासी जनजाति बीच वाली खासी पहाड़ी है। तो खासी जनजाति का प्रमुख जो त्यौहार है वो है आपका पावलोंग, इम्पॉर्टेंट पावलोंग नोक्रेम, ठीक है, 5 दिन का मनाया जाता है। मेघालय की राजधानी है शिलोंग में, कई क्या है बहुत ही बेहतरीन अच्छे अच्छे स्थल हैं इसमें, है वॉर्ड लेक, ठीक है, और लेडी हैदरी पार्क, पोलो ग्राउंड है, मिनी प्राणी उद्यान है, फिर एलिफेंट जल प्रपात है, आप पे शिलोंग चोटी प्रमुख है, और यहाँ का जो है आपका गोल्फ कोर्स, विश्व का प्रमुख गोल्फ कोर्स में से एक है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ेंगे मिज़ोरम, तो मिज़ोरम आई होप आप लोग को पता चल गया होगा कहाँ पे है गाइस, ये सिक्किम है, यहाँ से ऐसे 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 बनाएंगे, ये मेघालय है, ये त्रिपुरा है, ये मिज़ोरम, यानी ये वाला एरिया जो है ना नॉर्थ ईस्ट में वो मिज़ोरम है, ठीक है। तो देखिए हमें इससे क्या मतलब, 10 लाख लोग रहते, ज़्यादा नहीं है, 8 जिले हैं, आइजोल राजधानी है, ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है इनफैक्ट, मिज़ो और अंग्रेजी हिंदी यहाँ की लैंग्वेज हो गई, ठीक है। देखिए लिंगानुपात और साक्षरता मैं खास इसलिए नहीं बता रही क्योंकि किसी को याद होने वाला नहीं है मेरे बताने से, पढ़ लें आप, पढ़ लें मन है आपका। इसने कहा कि 87 में क्या है, मिज़ोरम जो है भारत का 23rd राज्य बन गया, यूनियन टेरिटरी के रूप में स्थापित होने से पहले क्या है, ये है जो ये जो है असम राज्य का एक ज़िला था, मतलब देखिए पहले असम का ही एक ज़िला है मिज़ोरम, फिर इसको अलग करके यूनियन टेरिटरी बनाया, फिर इसको अलग कर इसको क्या बना दिया, स्टेट बना, राज्य बना दिया। 1972 में, मतलब 72 में क्या हो, सन 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम आया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जो केंद्र शासित प्रदेश बन गया था ये, ठीक है, 72 में केंद्र शासित और 87 में ये राज्य बन गया, ठीक है। देखिए 87 में ये राज्य बना था, मतलब पहले असम के साथ था, फिर 72 में ये बन गया आपका यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी बना, और उसके बाद इसमें बन गया ये राज्य। अब इसने कहा पूर्व और दक्षिण में इसके क्या है, म्यांमार है, और पश्चिम में बांग्लादेश है। भारत के पूर्वोत्तर कोने में इससे जो मिज़ोरम है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके तीन तरफ तो आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग देश हैं, तो सामरिक दृष्टि से ये हो जाता है महत्वपूर्ण। ओके, फिर हमें यहाँ जाना है ऊपर, कृषि की बात करें तो यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, 70% आबादी कृषि से अपना काम चला रही है। यहाँ पे झूम स्थानांतरित प्रणाली है कृषि की, मतलब ये हो गया कि आप एक पर्टिकुलर एरिया लीजिए, वहाँ के जंगलों को काटिए, जलाइए, जलाने के बाद यहाँ जो खाली ज़मीन बन जाएगी उसमें कृषि कर लिए, थोड़े दिन कृषि करेंगे, मिट्टी ख़राब हो जाएगी, अनुर्वर हो जाएगी, फिर आप ये जगह छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, फिर वही काम करेंगे, यहाँ जंगलों को काटेंगे, जलाएंगे, कृषि करेंगे, फिर मिट्टी ख़राब हो जाएगी, फिर कहीं और चले जाएंगे, तो ये काम आप करेंगे, इसीलिए इसको स्थानांतरित कृषि बोला जाता है और इसे झूम कृषि भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसे मिज़ोरम में बागबानी की प्रमुख फसलों की अगर बात करें तो मंदारिन संतरा हो गया, केला हो गया, अंगूर हो गया, मंदारिन संतरा याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इसने कहा केला है, अंगूर है, टकोरा है, अनानास है, पपीता है, मंदारिन संतरा याद रखिए। इस राज्य में क्या है आपका एंथूरियम, बर्ड ऑफ पैराडाइज, फिर है ऑर्किड, ऑर्किड गुल, अन्य मौसमी फलों की खेती होती है। वन की बात करते हैं तो इसने कहा जो राज्य का 85.4% भाग है वो वनों से आच्छादित है, सबसे अधिक देश में, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आइजोल जो यहाँ का वो है क्या बोलते हैं राजधानी, आइजोल चिड़ियाघर में क्या है दुर्लभ पक्षी यानी कि वाबू या हेम्स भी बोलते हैं, हेम्स बाटेड फिजेंट का पहली बार क्या सफलतापूर्वक प्रजनन कराया गया। अच्छा, इसमें लिखा है परिवहन की बात करते हैं तो लेंगपुई में हवाई अड्डे स्थापित हुए, कोलकाता इम्फाल और गुवाहाटी से जुड़ा हुआ है ये, कोलकाता इम्फाल गुवाहाटी। अच्छा, त्यौहार की बात कर ले, तीन त्यौहार क्या है, चाप चार कुट, फिर है मिमकुट और पोलकुट, संगीत और नृत्य मिज़ो समाज का अहम हिस्सा है, यही कारण है कि इस प्रदेश को आपका बोलते सॉन्ग बर्ड ऑफ द नॉर्थ इंडिया, ठीक है। आइजोल एक क्या है, पर्वतीय नगर है, ठीक है, धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से प्रसिद्ध है, चंफाई म्यांमार
की सीमा के निकट एक क्या सुंदर पर्यटन स्थल है। यहाँ पे लिखा है तामदिल प्राकृतिक झील और वन तांग जलप्रपात यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था। नागालैंड की बात कर लेते हैं तो गाइस देखिए आप ऐसे करके नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया बनाते हैं, ये बना दिया हमने एरिया। यहाँ पे हमने कहा था ये है अरुणाचल प्रदेश और इसके नीचे वाला जो था वो था आपका नागालैंड, ठीक है। अब इसने कहा जनसंख्या कुछ नहीं है, 19 लाख है। यहाँ पे जिला है बारा, कोहिमा यहाँ की राजधानी है। यहाँ पे ये बहुत बुरा हाल है इसका और ये फिर भी ठीक है। साक्षरता आपकी अंग्रेजी, हिंदी, अन्य आदिवासी बोलियाँ यहाँ पे बोली जाती हैं। 1963 की बात करें तो नागालैंड जो है भारतीय संघ का जो है 16वां राज्य बन जाता है। म्यांमार इसके पूर्व में, जैसे नागालैंड है, नागालैंड के पूर्व में आपको मिलेगा म्यांमार, ठीक है। और इसके उत्तर में आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, अभी हमने देखा। पश्चिम में यहाँ मिलेगा असम और इसके दक्षिण में मिलेगा यहाँ पे मणिपुर। ये सब हम जानते हैं, बहुत आसान हो गया। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो सारामती है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पर्वत श्रृंखला जो है नागालैंड और म्यांमार के बीच क्या है, बनाती है प्राकृतिक सीमा। यानी इसने बोला कि अगर ये नागालैंड है और ये म्यांमार है तो ये चोटी आपको बीच में मिल जाएगी, ये प्राकृतिक सीमा बनाती है नागालैंड और म्यांमार के बीच। कृषि की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और यहाँ पे 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। खाद्य फसलों की बात करें तो चावल है और कृषि योग्य भूमि की बात 70% धान की, मतलब कृषि योग्य भूमि जो होती है उसकी 70% पर सिर्फ हम धान उगा रहे हैं। नागालैंड में क्या है स्लैश या वन खेती, यानी वही झूम खेती जो अभी हमने पढ़ी थी वो होती है, मतलब इसको हम झूम खेती बोलते हैं, ठीक है, वही जो अभी हमने देखा था। परिवहन और पर्यटन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है दीमापुर पूरे देश में रेल और हवाई यातायात से जुड़ा हुआ है राज्य का दीमापुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा पर्यटन विभाग प्रति वर्ष क्या है दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह में जो है आपका हॉर्नबिल उत्सव आयोजित करता है, ठीक है। यहाँ के पारंपरिक उत्सव में बात करें तो कोहिमा जिले में क्या होता है सेक रेनी फरवरी में लॉन्गलेंग में मेन्यू अप्रैल में पे मुकोकचुंग जिले में क्या होता है मुआसू मई में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं उड़ीसा। उड़ीसा चलिए तो गाइस उड़ीसा कहाँ बनाएंगे आप, ये ऐसे करके हमने ये बनाया था, ठीक है। तो यहाँ कहीं आपको वेस्ट बंगाल मिल जाएगा, इसके नीचे आपको उड़ीसा मिल जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बना रही हूँ बट मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ की जो जनसंख्या हो जाएगी वो 4,30,00,000, ज़िले राजधानी भुवनेश्वर, ये लिंगानुपात ठीक ठाक है, साक्षरता ठीक ठाक है, उड़िया यहाँ की भाषा हो गई, ठीक है। तो देखिए ये है उड़ीसा, के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, उत्तर पूर्व में है वेस्ट बंगाल, उत्तर में है झारखंड, पश्चिम में है छत्तीसगढ़ और दक्षिण में आंध्र प्रदेश है, ठीक है। अब देखा कि यहाँ पे भी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित, 60% से अधिक जनसंख्या निर्भर है, इस पर चावल उगाई जाती है, दाल, तिलहन, जूट सब मिलेगा आपको यहाँ पे। बंदरगाह की भी बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात, तो इसमें है पारादीप इंपॉर्टेंट बंदरगाह, अभी भी पहले भी बहुत पहले भी, अच्छा चिल्का झील इंपॉर्टेंट के अतिरिक्त दो अन्य झीलों की बात करें तो अनसुप्पा झील हो गई आपका, सारे झीलों के तीन इंपॉर्टेंट है। उद्योग की बात करें देखिए उड़ीसा में भी अगर उद्योग आया है तो इंपॉर्टेंट बात है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इसने कहा राउरकेला में इस्पात कारखाना, मंचेश्वर में रेल डिब्बा मरम्मत वर्कशॉप मिल जाएगी, कोरापुट में एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, फिर है अंगुल में आपका एल्युमिनियम स्मेल्टर मिल जाएगा, पारादीप में आपको उर्वरक कारखाना मिल जाएगा, सब इम्पॉर्टेंट है। चलिए पर्यटन केंद्र की बात करते हैं तो इसकी जो राजधानी यानी कि भुवनेश्वर में बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे, इसलिए इसे हम बोलते हैं मंदिरों का शहर, ठीक है। जैसे भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट, फिर है अनंत वासुदेव मंदिर हो गया इंपॉर्टेंट है, फिर है धौली में चट्टानों को काटकर बनी गुफाएं इंपॉर्टेंट हो गए, अशोक के शिलालेख इंपॉर्टेंट हो गए, पुरी का जगन्नाथ मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट, कोंकार का सूर्य मंदिर इंपॉर्टेंट हो गया, महानदी पर बना क्या हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है याद रखिएगा, उड़ीसा में भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी प्रसिद्ध झील चिल्का झील वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, चलिए गाइस पंजाब देख लेते हैं तो पंजाब की जनसंख्या यहाँ पे कुछ लिखी है 2.7 करोड़ के आसपास और यहाँ पे राजधानी जिले हैं 22, चंडीगढ़ राजधानी हो गई यहाँ की, साक्षरता ठीक ठाक, ये तो बहुत बुरा हाल है इसका लिंगानुपात का, और पंजाबी यहाँ की लैंग्वेज हो गई। अच्छा सिखों के जो 10वें गुरु थे ना
उन्होंने यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को खालसा पंथ के रूप में संगठित किया, ठीक है। उन्होंने क्या सदियों के दमन और क्या है अत्याचारों के खिलाफ एकजुट किया, किन्हें सिखों को, और इस तरह उन्होंने क्या है देशभक्ति धर्मनिरपेक्षता मानवीय मूल्यों पर आधारित जो पंजाबी राज्य की स्थापना करी, किन्होंने, इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने। अच्छा 1956 में क्या होता है पेप्सू को पंजाब में मिला दिया गया, ठीक है। पेप्सू को क्या करा पंजाब में मिला दिया। 1966 में क्या होता है पंजाब के कुछ हिस्से क्या करा निकाल करके हरियाणा राज्य बना दिया गया। अच्छा पंजाब के पश्चिम में क्या है पाकिस्तान है, मतलब अगर ये पंजाब है तो उसके पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर में जम्मू कश्मीर है, उत्तर पूर्व की बात है हिमाचल प्रदेश है, दक्षिण में हरियाणा और राजस्थान है, ठीक है। अब देखिए कृषि कृषि की बात करें तो यहाँ पे गेहूँ चावल कपास ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। अब यहाँ सिंचाई और विद्युत परियोजना की, तो यहाँ पे लिखा है BML नहर प्रणाली हो गया, सरहिंद नहर प्रणाली, बिस्त दोआब मिल जाएगा, बिस्त यानी कि ब्यास और सतलज के बीच वाला, तो दोआब नहर प्रणाली मिल गई। अब पूर्वी नहर प्रणाली मिल गई यहाँ पे, भाखड़ा नांगल इंपॉर्टेंट है, भाखड़ा नांगल कॉम्प्लेक्स के निर्माण सहित क्या है भाखड़ा बांध हो गया, भाखड़ा मेन लाइन हो गई आपका, नांगल पनबिजली चैनल हो गया आपका, गंगूवाल कोटला पावर हाउस, ये सारी परियोजनाएं मिल जाएंगी आपको। व्यास सतलुज लिंक परियोजना में क्या होता है व्यास नदी के पानी का इस्तेमाल जो है बिजली के उत्पादन में किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे ब्यास नदी बह रही है सतलुज नदी बह रही है दोनों को जोड़ दिया गया और जो ब्यास नदी है उससे बिजली का उत्पादन और इस पानी को क्या है गोविंद सागर झील में स्थानांतरित करके करने पर जोड़ दिया जा रहा है। अब इसने कहा पंजाब में जो है ताप विद्युत परियोजना यानी कि तलवंडी साबो, फिर है राजपुरा, फिर यहाँ पे है गोइंडवाल साहिब या आदि, ये सारी हैं। पर्यटन की बात करें तो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर हो गया आपका, दुर्गियाना मंदिर हो गया आपका, जलियावाला बाग हो गया, आनंदपुर साहब में क्या हो गया तख्त श्री केशगढ़ साहिब है, खालसा सांस्कृतिक परिसर हो गया, भाखड़ा बांध हो गया, फिर पटियाला में किला अंदरून मोतीबाग राजमहल हो गया आपका, हरिकेपट्टन में क्या है आर्द्रभूमि पुरातात्विक की दृष्टि से महत्वपूर्ण संगोल और क्या है आपका छतरी चिड़ियाघर हो गया, आम खास बाग में क्या है मुगलकालीन स्मारक परिसर अस्तित्व यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे राजस्थान की, फिर वही बात यहाँ पे जो जनसंख्या 6.88 करोड़ है, ज़िले हैं 33, जयपुर राजधानी है, ये बुरा हाल है लिंगानुपात का, साक्षरता बहुत बुरी हाल है और यहाँ हिंदी राजस्थानी भाषा बोली जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो देश का सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान और पूरे पश्चिमी सीमा इसकी जो है पाकिस्तान से मिलती है, उत्तरी पंजाब से उत्तर पूर्व में हरियाणा मिल जाएगा, पूर्व में उत्तर प्रदेश मिल जाएगा और दक्षिण पूर्व में आपको मिलेगा मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में मिल जाएगा आपको गुजरात, मतलब इसने राजस्थान बनाया, इसने कहा यहाँ पूरा का पूरा पाकिस्तान है, उसके ऊपर आपको यहाँ मिल जाएगा क्या मिल जाएगा पंजाब मिल जाएगा और यहाँ आपको मिल जाएगा दक्षिण पूर्व सॉरी क्या है उत्तर पूर्व में हरियाणा मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूपी और दक्षिण पूर्व में मिल जाएगा आपको एमपी और दक्षिण पश्चिम में मिल जाएगा यहाँ पे आपको गुजरात, ठीक है। फिर इसने कहा फसलों की बात करें जो यहाँ उगाई जा रही हैं वो है आपका गेहूं जो ज्वार बाजरा मक्का तिलहन दाल कपास तंबाकू मिल जाएगा आपको। उद्योग की बात करें तो गाइस देवरी उदयपुर जस्ता के लिए जस्ता गलाने के लिए खेतड़ी इंपॉर्टेंट है, झुंझुनू कॉपर कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट, कोटा में सूक्ष्म उपकरणों का कारखाना है, राज्य के प्रमुख उद्योग की बात है वस्त्र है ऊनी कपड़े हैं चीनी सीमेंट कांच रेल डिब्बे निर्माण वनस्पति रंग कीटनाशक टेलीविजन सेट आदि यहाँ इसके उद्योग मिल जाएंगे। राजस्थान की दस्तकारी की वस्तुएं पूरे विश्व में क्या है विख्यात है। राजस्थान के महत्वपूर्ण मेलों की बात करें तो अजमेर शरीफ हो गया गलियाकोट का वार्षिक उर्स हो गया आपका, फिर उसके बाद है वाणेश्वर वेणेश्वर डूंगरपुर का क्या है जनजातीय कुंभ हो गया आपका, श्री महावीर जी मेला कहाँ पे है करौली, पशु मेला पुष्कर अजमेर हो गया आपका, खाटू श्याम जी का मेला जो है आपका सीकर। फिर उसके बाद है पर्यटन स्थल की बात करें तो अलवर में क्या है आपका सरिस्का बाघ अभयारण्य इंपॉर्टेंट और राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट हो गया, भरतपुर में क्या है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट, जयपुर जोधपुर उदयपुर बीकानेर माउंट आबू चित्तौड़गढ़ बूंदी इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका सवाई माधोपुर में इंपॉर्टेंट सब इंपॉर्टेंट। अब जो गई नेक्स्ट जो है ना सिक्किम से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। घटना चक्र की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में चाहिए, PDF चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करिए, दूसरा अगर आपको इस बुक की PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम पेज जो है आप उसको ज्वाइन करिए और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए गाइस